जगह द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रम का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दो दिवसीय उत्सव में परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिबेट्स, फैशन शो तथा लिटरेरी प्रोग्राम के माध्यम से युवाओं को अपने स्किल्स और टैलेंट्स को प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ यूथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा का भी एक प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि अमृत पीढ़ी के हुनर, उसकी ऊर्जा और उनका उत्साह जम्मू कश्मीर के इस सभागार में उपस्थित बच्चों के लिए नहीं बल्कि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्पद साबित होगा। मुझे बताया गया है कि 6 और 7 जून यानी इन दो दिनों में कुल मिलाकर 24 इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, फ्रेम विद इन द फ्रेम तथा मेंटल मैराथन जैसे इनोवेटिव इवेंट भी शामिल हैं। मैं मानता हूँ युवाओं में ओरिजिनल क्रिएटिव टैलेंट होता है और इसलिए उसमें सृजन और क्रिएशन का आत्मविश्वास सबसे गहरा होता है। युवा चेतना की सबसे बड़ी खूबी है वह ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। युवा का सही मायने यही है कि जो जैसा है उसे बेहतर बनाने का वो प्रयत्न करे। मिर्जा गालिब का एक शेर है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो गए। युवा पीढ़ी एक ऐसी ऊर्जा से दमकती है जो हर पल कुछ नया क्रिएट करने और उस क्रिएशन के विस्तार के लिए व्याकुल रहती है, तत्पर रहती है, चाहे क्लासरूम हो या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंच हो। हर जगह युवाओं की आंखों में चमक रही जिज्ञासा और दिल में कुछ कर गुजरने का भाव, ये भारत की सबसे बड़ी संपदा है। प्रधानमंत्री जी ने निफ्ट के इस वर्ल्ड क्लास कैंपस के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई और इसके कारण निफ्ट श्रीनगर अपनी यात्रा निरंतर जारी रखते हुए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक प्रोग्राम्स में अनेक उपलब्धियां आज निफ्ट हासिल कर सका है। निफ्ट श्रीनगर की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य मैं मानता हूं यही था कि यहां के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की विरासत को युवाओं को सौंपा जाए ताकि वह इनसे जुड़ी हुई प्राचीन कलाओं तथा शिल्पों को प्रमोट करके उसे ग्लोबल स्टेज पर प्रस्तुत कर सके। सभी युवा टैलेंट मिलकर जम्मू कश्मीर डिज़ाइन डेवलपमेंट तथा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड पोजिशनिंग में प्रशासन की मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये सही समय है कि सभी स्टेक होल्डर्स मिल करके कुशल कारीगरों और बुनकरों की ब्रांड पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग में, अच्छी पैकेजिंग में मदद करें। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय कलाकार और निफ्ट के सभी हुनरमंद युवा विद्यार्थी रीति रिवाजों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि का ताना बाना भी तैयार कर रहे हैं। यह प्रोसेस कला को जिंदा रखने के साथ समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आवश्यक है। 21-22 में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के इनोवेटिव और किफ़ायती पैकेजिंग में निफ्ट श्रीनगर ने अच्छा योगदान किया। 22 की शुरुआत में जम्मू में निफ्ट श्रीनगर के फैकल्टी मेंबर्स और हस्तशिल्प कलाकारों के साथ मैंने भी चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम निदेशालय के साथ मिलकर के उन्होंने पश्मीना साल, पेपर मासी, कारपेट, फुलकारी, बसोहली पेंटिंग की डिज़ाइनिंग
और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को पूरा किया। मैं प्रशासन की तरफ से इसके लिए निफ्ट का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि इसके अलावा केंद्र सरकार के उस्ताद प्रोजेक्ट के तहत निफ्ट श्रीनगर के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने मिलकर कई वर्कशॉप भी आयोजित किए हैं और मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए 100 के करीब हस्तशिल्प के नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट को ब्रांड पोजिशनिंग और ब्रांड इमेज निर्मित करने में आप सहयोग करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में नए आइडियाज को समाहित करें आप, ताकि वह कंज्यूमर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में हैंडलूम से जुड़े कलाकारों पर कोई न कोई दैवीय कृपा जरूर रही होगी, क्योंकि चाहे वो कारपेट का बुनकर हो या पश्मीना सिल्क नमदा पेपर मासी कॉपरवेयर से जुड़े हुए कारीगर हों, ये केवल एक प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल कलाकार के साथ साथ अगर आप देखें तो हर गांठ हर डिज़ाइन के साथ एक नई कविता लिखते हैं, जो हर धागे से पेंटिंग भी बनाते रहते हैं। ये सच्चाई है कि जिस साधारण दिखने वाले धागे को वह सुंदरता के प्रतीक के रूप में बदलते हैं, ये भी उतना ही सच है कि वो अच्छे ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाते। और कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह रंगों में तो जादू भर देता है, लेकिन वो उसे अच्छे दाम पर बेच नहीं पाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी प्रयत्न कर रहा है पिछले 4-5 वर्षों में कि उन्हें वैश्विक बाजार में स्थान मिले। 2023 में प्रशासन ने 32 नए क्राफ्ट्स को नोटिफाई किया और अनेक कदम इस दृष्टि से उठाए गए हैं। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि निफ्ट के बच्चे और निफ्ट के फैकल्टी मेंबर्स इसमें सक्रिय रूप से भागीदार हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि ये भागीदारी आपकी आगे और बढ़े। अंत में आप सबसे ये अवश्य कहना चाहूँगा कि इस 2 दिवसीय सांस्कृतिक यूथ फेस्टिवल को नए संकल्प अवसर के रूप में आप देखिए। आगे आने वाले भविष्य में आपको किस रास्ते पर चलना है, क्या संकल्प लेना है, किस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर अभी से जुट जाइए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि युवा वह होता है जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायने शौक, जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।